मेक्सिको में कोकोकलो का को शेयर बहुत बड़ा है दिस इज अ गेम ऑफ मनी क्योंकि हमारे पास अगर एक आधा लाख है बीस तीस लाख है हम कार्स में खेलेंगे हमारे पास बीस तीस करोड़ है हम हो सकता है प्रॉपर्टीज में खेलेंगे दो सौ तीन सौ करोड़ है हम आईलैंड में खेलेंगे इफ यू हैव थाउजेंड ऑफ करोड़ वी प्ले विपल हम लोगों में खेलेंगे क्यों right. अब बात आती है ईगो की ब्रो आई कंट्रोल सो मेनी पीपल यू कंट्रोल सो मेनी पीपल दैट इज वट दिस गाइज डू नहीं तो अभी तक यूके में ऑलीगार्क क्यों है वॉट द पॉइंट ऑफ दैट शेट सो उनका पूरा गेम है हाउ टू कंट्रोल मोर पीपल एंड दैट इज वॉट ब्लैक रॉक एंड एंडी मच एंड ऑफ डूइंग एंड उसका लाइव एग्जाम्पल देखना लुक एट इज हैपनिंग इन यूएस उसके इलेक्शन कैसे हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को बिना एक्चुअल एविडेंस के लगता है कि पूरी यूएस हाथ धो के पड़ी हुई है खाली डोनाल्ड ट्रंप को अंदर करने के लिए आई मीन द पॉइंट बिहाइंड दैट ही माइट हैव सम क्रिमिनल स्टफ गोइंग ऑन मे और मे नॉट हैव बट द अदर पार्टी डज टू अभी तक हम लोग यू एस डॉलर में क्यों तेल बाइंग और सेलिंग करते हैं किसी और प्राइसिस में क्यों नहीं करतेड डेमोक्रेसी इतना अर्जेंट क्या नीड होता है उनको डेमोक्रेसी की अभी तक वेनेंजूला का तेल हम लोग क्यों नहीं यूज कर पा रहे पूरी दुनिया में रीजन वी आर ऑल ऑफ्रोल दिस इज वेयर बिग मनी कम्स इन टू प्ले बिग मनी के बारे में और जानना चाहोगे आप हाँ मैं तो सुनने को तैयार हूँ so, <coughs> so, पहले ऐसा होता था कि अगर को कुछ चाहिए कप ले दे दे, right, बकरा दे दे नहीं यार बकरा बहुत बड़ा है मेरे को इक्वल इक्वल कुछ चाहिए उसके लिए क्या कॉइन सिस्टम आया गोल्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल तो हमने क्या किया गोल्ड को रखो इट्स अ प्रेशियस मेटल उसके अगेंस्ट एक कॉइन दो जितना गोल्ड उतना कॉइन एक्सचेंज हम कर लेंगे 1973 तक इतना पैसा उन्होंने प्रिंट कर दिया अमेरिका में कि अगर वो पैसा वापस करेंगे उतना गोल्ड नहीं था hmm. उनको वापस करने के लिए दैट वाज द रूल इसीलिए ब्रिटिश पाउंड बोलते इट वाज मच वन पाउंड सिल्वर इक्वल्स टू वन यूनिट ऑफ करेंसी इन यूके लेकिन उतना अगर वापस करोगे उतना गोल्ड बचा नहीं निक्सन प्रेसिडेंट था उस टाइम पे रिचर्ड निक्सन ही अनाउंस की अब से गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है यानी कि यू डो नॉट हैव टू रिटर्न रिटर्न आई विल नॉट गोल्ड बस बता दिया दिस इज़ वेयर ऑल द गेम starts. बस बोल दिया अब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है अब ठीक है भाई अब तुमको हम देने नहीं वाले उसका से इकोनॉमी तो बूम हुई और इतना लोन 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 का पैसा अंदाजा छापते छापते गोल्ड सब हुआ लेकिन उसका रिजल्ट आज ये है कि दुनिया में इतना पैसा प्रिंट हो चुका है दैट cannot बी काउंटेड also। मतलब जो मेरे जेब में पड़ा है जो तुम्हारे जेब में पड़ा है नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ दैट मनी इज एक्चुअली जस्ट ऑन पेपर जस्ट रिटर्न डाउन इट्स नॉट रियल मनी और ये आज चल रहा है और इसी को कंट्रोल कर रहे हैं ये बड़े कंपनीज़ सो so, अगर तुम अभी भी ये सोचते हो ना मैं छोटी सी जॉब करूंगा मैं रिस्क नहीं लूंगा जो हम शुरू में बात कर रहे थे दैट्स मान इस प्रच अबल इन जस्ट दैट नीड टू दैट आजकल ओनली फैन मॉडल दो दो तीन तीन मिलियन महीने के कमा रहे दैट एआई मॉडल्स मंथ का दस दस मिलियन कमा रहे हैं हाउ डू एक्सप्लेन दैट शिट

वो में और कितना और सब डिजिटल मनी है digital money. Digital money का चीज़ हो ना दिस मनी इज बेसिकली जैसा आप सोचते हो ठीक है ना ही तो है, मेरा ऑलरेडी पैसा बैंक में या डिजिटल होगा तो क्या फर्क पड़ेगा भाई वो बैंक के पैसे की कोई कीमत नहीं रहने वाली ऐसा प्लान था एंड ओनली दिस डिजिटल करेंसी विल बी वैलिड नाउ दिस डिजिटल करेंसी विल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट नाउ कंट्रोल्ड के अगेंस्ट कुछ बोल दिया

आपस में पैसा एक दूसरे को दे रही हैं राइट इन फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स एक्सचेंजेस एनर्जीज एनीथिंग राइट तो ये सब कर्जे में किसके हैं फिर अपने ही फ्यूचर से ये किसी को नहीं पता दिस वेरी वेरी इजी आंसर अपने ही फ्यूचर से लोन किससे लेते हो भाई मैं आज मुझे छह लाख दे दे मैं दस साल बाद दे दूंगा खुद के फ्यूचर से हम लोन लेते हैं दैट्स दैट्स इट व्हाट द कंट्रीज आर डूइंग तो बेसिकली कैसा होता है यूएस गिव्स अ बॉन्ड

इकोनॉमी समझ ली है इकोनॉमी समझ लिया चाइना ने हाँ चाइना ने ये समझ लिया है कि भाई तुम रॉल्स रॉयस बनाओ तुम बुगाटी बनाओ मैं बुगाटी की मम्मी और पापा दोनों बना दूंगा भाई है ना हम कॉपी मार और दूसरा चाइना में जितना काउंटरफीट हो रहा है पैसे को लेके इट्स द इकोनॉमी काउंटर फीटिंग तो अभी ना मैं कल परसों सो इंडिया so के अंदर टिकटॉक बैन है नो दिस इज इंटरेस्टिंग ठीक है तो जो जितना भी ये बॉर्डर है यूएस और मेक्सिको का इसके अंदर बहुत सारे लोग आ रहे हैं ठीक है हुँ. अब वो लोग कैसे आते हैं स्टेप बाय स्टेप जिन लोगों को नहीं पता है टिकटॉक पे पे इसके ट्यूटोरियल्स हैं पे नहीं टिकटॉक पे है तो अभी हाल ही में जब पूछा ना उससे आ, आप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते हो तो उसने बोला नहीं आई एम एम गाय आई एम फ्रॉम सिंगापुर चार बार बोला बट दी एविडेंस वॉज दैट इफ यू आर इफ यू आर गाय फ्रॉम सिंगापुर तो टिकटॉक वीडियो पे यूएस के अंदर

बहुत सारा एम लैंड बहुत सारा बैरल uh, लैंड जितना भी जिसमें फसल नहीं हुई कभी भी वो बहुत बहुत सारे सारे चाइनीज चाइनीज ओन कर रहे हैं या yeah. ठीक है yes, yes. तो ये इसलिए टिकटॉक वाले को लाया था बीच में hmm. जो कि मीडिया ने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एज यूजुअल अपनी आदत के तौर पे उसे निकाल दिया hmm. ठीक है तो मैं यही सोच रहा हूं कि चाइना यूएस के अंदर पहुंच एक और मजेदार बात है hmm. कि मैं चाइना को क्यों मानता हूं कि चाइना

इतना स्ट्रांग हो चुका है कि मनी तो छोड़ दो भाई हम तो यहाँ पंद्रह सौ दो हजार रुपए के स्टॉक की बात कर रहे हैं वो एक कॉम्युनिस्ट रिजीम होने के बावजूद मतलब एक बहनचोद उनकी सोच ही है राइट वो अपने बच्चे को पैदा करते हैं

कर दी पैडल इकोनॉमी खड़ी Done. और लिटरली चाइनीज नहीं सीखते इंग्लिश उनके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है उन्हें नहीं पहननी जीन्स वो बहन जो पजामे पहन के निकल जाएंगे तो चाइना के अंदर अभी एक वीडियो बहुत वायरल हुई बहुत ज्यादा hmm. तो एक वुहान की कोई स्ट्रीट थी उस स्ट्रीट पे सिर्फ ई बाइक्स चल रहे हैं hmm. सिर्फ ई बाइक्स और जीरो नॉइज जीरो नॉइज दे है मतलब हमें नहीं पता कि राइट्स है, राइट? Correct. So, हमारा fundamental right है कि है है हमारा हमें noise pollution, certain के बाद नहीं मिलना चाहिए Correct. They have achieved it. They have, they have, उन्होंने दिया ना वायरस बोला ना लैब में जा नहीं जाने दिया hmm. जाने दिया उसके नहीं जाने दिया और उसके, उसके सबको पता दुनिया को वायरस दे दिया ठीक है नहीं ले जा पाए तुम कोर्ट में यूएस बोलता है कि भाई मैं ना सब कुछ कर सकता हूँ right? ले, ले। कुछ नहीं कर पाया तू मेरा दिस इज द पावर ऑफ मनी दैट चाइना होल्ड जियोपॉलिटिकली राइट और मैं एक और बात बताता हूं अरब अरब जितनी कंट्री है आपने अभी एक बहुत बात करी अभी ऑल ऑफ अस सबको डेमोक्रेटिक क्यों बनना है हैं क्यों बनना है इसलिए बनना है क्योंकि पैसा तो बाहर से ही आएगा ना और इस्लामिक कंट्री में शरिया लॉस के अंदर आप नहीं शराब पी सकते Correct. आप नहीं प्रोस्टिट्यूशन कर सकते आप नहीं फ्लैम पॉइंट लाइफ इबीजा वाला ले सकते नहीं कर सकते यू कैन नॉट टेक वाला सीन अरब में नहीं हो सकता राइट right. सिंपल है ना इसलिए डेमोक्रेटिक बनना है nah. ताकि कुछ नहीं कर सकते तो चाइना जैसी पैरल इकोनॉमी का एक परसेंटाइल तो ले लें है ना yeah. तो मैं यही सोच रहा हूँ पावर ऑफ मनी और मैं और आप यहाँ बैठ के पावर ऑफ मनी छोटे बहुत बड़े पे खेल हाँ. रहे हैं ब्रो इनका गेम जब से चल रहा है ना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते ये जो ग्लास है चीजें कहीं से तो स्टार्ट होती है ना रॉ मटेरियल ये जो ग्लास है इस रूम में एट्टी ऑफ द चीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन चाइना This is the case with every room, हर में. कितना भी आत्मनिर्भर बन जाओ इट इज इम्पोसिबल वो रॉ मेटीरियल मिलता ही नहीं ब्लैक रॉक right. so hmm. hmm. और वैन गार्ड के लेवल का तो देख लिया hmm. बट पैसा क्या क्या कंट्रोल करता है पता है तुम सुबह सबसे पहले मुंह में क्या लेते हो वो भी कंट्रोल करता है राइट right. कह <laughs> <गे> रहे हो <laughs> <laughs> क्या लेते हो क्या लेते हो क्या <laughs> <laughs> क्या लेते हो क्या लेते <laughs> हो कॉर्नफ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स खाते हो अब ये बताओ ब्रेकफास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कैसे हो गया दु, दुनिया में जो चीजें होती है ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट है ये वो ये कैसे होता है गो बैक सिट डाउन एन सी की एक रिसर्च निकला था रिसर्च पेपर पूरा पब्लिश हुआ था कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे रिसर्च स्पॉन्सर किया गया था कैलॉग्स से दैट्स हाउ ब्रेकफास्ट बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे उसके पहले ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट नहीं था और इसका कॉमन सेंस में अगर सोचोगे तो हम मिलियंस ऑफ ईयर्स से इवॉल्व हो रहे हैं क्या करते थे हंटर गैदर थे जानवर पकड़ते थे दिन में एक बार खा लिया हफ्ते में एक बार खा लिया ऐसा हमारा जिंदगी था सडनली तीन चार हज़ार पहले तीन चार हज़ार साल पहले हमने फार्मिंग इन्वेंट किया और सडनली हमारे लिए ब्रेकफास्ट इंपॉर्टेंट हो गया अटर गार्बेज ऐसे पैसे बहुत चीज़ें कंट्रोल करता है तुम्हारी जो नीड्स होती है ये हर एक चीज़ इज़ कंट्रोल्ड बाय मनी एवरी नीड दैट यू थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट मतलब सोशल मीडिया एक इंपॉर्टेंट चीज़ है घंटा इंपॉर्टेंट है यू कैन ईजिली लिव योर लाइफ विदाउट सोशल मीडिया कैसे हो गया ये इंपॉर्टेंट भाई तुम अपडेटेड नहीं हो इन चीज़ों से नहीं हो भाई क्या फ़र्क पड़ता है यू डिसाइड वॉट काइंड ऑफ लाइफ यू वॉन्ट टू लिव यही हो गया ना एजुकेशन में कि ऐसा 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 ही करना है बस दिस ऑल इज कंट्रोल्ड बाय मनी तो इससे निकलना है तो यार खुद की वेल्थ बिल्डिंग बहुत फोकस करना पड़ेगा एंड माइंड फ्रीडम पे वेल्थ बिल्डिंग यस यार मैं वेल्थ बिल्डिंग क्या हो गया पता है मैं मैं इसी पे आ रहा हूँ मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की सोच रहा था तो एक दिन किसी ने पूछा कि अलॉन मस्क इंडिया में क्यों नहीं बनता तो किसी ने इसको एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जवाब दिया ठीक है बट मैंने इसको सोशली सोच रहा हूँ कि एलोन मस्क इंडिया में इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि जो आइडियाज़ हैं दैट मनी कंट्रोल वर्ल्ड वाइड और जो मनी कंट्रोल इंडिया में करते हैं आइडियाज़ वो पहले ही बूथ लेवल पे यानी कि जब वो सीड हो रहा होता है राइट तो पहले ही बिग शार्क आके उस आइडिया को या तो किल कर देती है जैसे एक कॉन्स्पिर थ्योरी मनी को लेके ये कि पानी वाली गाड़िया right? के बारे में राइट थ्योरी कि वो आदमी है नहीं हम मारे गए राइट right? और ये जितनी भी जॉइंट कार कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उन लोगों ने उस आदमी को मार दिया करेक्ट राइट बिकॉज अगर एक ऐसी गाड़ी आ जाएगी तो वो इकोनॉमी और मनी दोनों ही खत्म हो जाएगा करेक्ट सब कुछ ना राइट पूरा पूरा मिडिल ईस्ट डूब जाएगा ना कुछ हाँ, बचा ही नहीं उनको राइट राइट द ऑयल यार इसका खेल ऐसा है कि दिस इज अ गेम ऑफ मार्केटिंग अमेरिका जो है खुद को मार्केट करने में बहुत बढ़िया है व्हाई इज आईफोन द बेस्ट कंपनी हॉरिबल फोन बनाता है हुँ. आज के रेट में देखो चलो ठीक है इट्स द बेस्ट कैमरा बट इज इट वर्थ 1.5 लाख हेल नॉट ये कितने का है ये 1.2 लाख का इज इट वर्थ इट स्टिल बेटर देन आईफोन बट स्टिल वही बात है ये कोरियन है इज इट बेटर गेम वो हो गया ना ये लोग मार्केटिंग ऐसा लेवल का करते हैं ना ये टेस्टलाज द बेस्ट एंड अपना ये देखो आज के डेट में भी मैं अभी भी बोलता हूँ इफ आई स्पीक इन अ फ्लूंट इंग्लिश लैंग्वेज पीपल स्टिल थिंक आई एम एक्सट्रीमली स्मार्ट हो सकता है मैं आपसे थोड़ा डम बातें कर रहा हूँ बट अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ लोगों को लगे यार बहुत बड़ा आदमी है वाई अभी भी हम उस गुलाम माइंड सेट सा अभी भी हमें लगता है कि अमेरिका विदेश में बहुत चीज़ें चल रही है एक रात की बात बताऊँ अमेरिका और इंडिया में भी जमीन आसमान का अंतर है इंडिया आसमान पे अमेरिका भी जमीन इंडिया बेस्ट कंट्री है फिर जीने के लिए अमेरिका अगर जाओगे ना तो तुम ये खुद जान लोगे कि वहां जॉब्स कट रहे हैं रोज की रेट में बड़े बड़े कंपनीज फायर कर रहे हैं गूगल फायर कर रही है राइट right. इंडिया तो, के अंदर मेजर फायरिंग नहीं हुई नहीं हुई है द hmm. थिंग so वहां की जो मार्केटिंग है ना अब थोड़ी फेल होनी स्टार्ट हो गई एंटायर थिंग इज इज अ मार्केटिंग मैन मार्केटेड टू अस एक और चीज yeah. सवाल का जवाब आपको देना है ठीक है तो एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है कि जो खाते हो उसमें लगा दो स्टॉक में पैसे hmm. जो यूज करते हो शैम्पू साबुन टूथपेस्ट hmm. hmm. ब्रश उसके स्टॉक में पैसे लगा दो जैसे पीएनजी है पी yeah. PNG बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है राइट hmm. उसके स्टॉक बट बहुत महंगा है चौदह बट क्योंकि रिलायंस का ट्रेंड है और टाटा का जूडियो है हाँ, राइट हाँ, तो आप जूडियो पहन रहे हो हाँ, लगा दो उसमें पैसा और उन्होंने बिना मार्केटिंग के वो कर दिया है क्लोथिंग हाँ, ब्रांड है तो इज इट ट्रू दैटर सीजनल वेजिटेबल इट इज राइट यू गो फॉर दैट स्टॉक इन्वेस्ट इन इट आफ्टर इट ट्रू और इज इट नॉट ट्रू नहीं ऐसा तो जोटो प्रॉफिटेबल कंपनी होती है स्टॉक है

बताया बट जोमैटो साल साल का शेयर है।, हाँ। है अभी डायरेक्टली रिलेटेड ना हो लेकिन ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो जाती है बट कैसे होती है सप्लाई और डिमांड तो? यार देखो प्राइस जो डिसाइड होता है ना दैट इज नॉट डिसाइड बाई दिस ये जो है बस बताता है कि कंपनी ग्रो कर रही है और आपको एक स्टेबिलिटी देती है अब मैं चाहूं जैसे ये मीम डोज कॉइन हो गया फॉर एग्जांपल क्रिप्टो कैसे बढ़ रहा है कोई वैल्यू है इसमें नथिंग नो वैल्यू जनरेशन मैंने आपने बोल दिया हो गया गेम स्टॉप वाज दैट मैन कैसे बढ़ा इतना कोई वैल्यू बनी नहीं नो वैल्यू जनरेशन बस कंपनी किसी ने खरीदा हायर प्राइस पे खरीदते गए प्राइस बढ़ता गया लेकिन वैसे ही गिरा ना इसी को कहते हैं अनसेफ स्टॉक्स लेकिन अगर आप सेफ स्टॉक्स देखोगे जो कि कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रहे हैं साल दर साल यहाँ आपका पैसा डूबने का चांसेस नहीं है

कैसे लॉसेस में लेके जाता है रातर तुम्हें लग रहा है कि तुम छह परसेंट ले रहे हो बट hmm. अगर तुम छह परसेंट आज इस चीज पे कमा रहे हो तो पेट्रोल की प्राइस तो बढ़ रहे हैं ना hmm. तुम्हारी गैस का प्राइस तो बढ़ रहा है ना तुम्हारे घर में जो बिजली आ रही है उसका प्राइस तो बढ़ रहा है ना करेक्ट छह परसेंट कुछ भी स्टैंड नहीं कर सकता राइट एंड एंड दैट दैट इज इज वेयर वेयर स्टॉक मार्केट एक्स्ट्रा इनकम कम टेक योर टाइम एक्सप्लेन इट कि कैसे इन्फ्लेशन और मार्केट अलग अलग चीजें हैं और इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इफेक्ट समझते नहीं उनको लगता है इन्फ्लेशन अपने आप कैसे हो रहा है एक सिंपल सी से चीज समझो अगर तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है तुम चीजें महंगे करोगे सस्ते करोगे hmm. महंगे करोगे इसी तरह लोगों की दुकान अगर अच्छी चलती है वो चीजें महंगे करते हैं ठीक है इसको डेप्थ में जाना बहुत डेप्थ में जा सकते हैं बट सिंपल सी चीज समझो तेल का प्राइस हर साल बढ़ते रहता है क्यों बढ़ता है बहुत रीजन है बढ़ते रहता है और तेल बढ़ रहा है तेल से हर कुछ का प्राइस डिसाइड होता है क्यों बिकॉज जो भी चीज आती है इट नीड सम एनर्जी शिप से आती है वहां तेल लगता है ट्रेन से आती है वहां तेल लगता है तो हर चीज का जो प्राइस है वो बढ़ते जाता है और जब चीजों की प्राइस बढ़ती है उस चीज को हम कहते हैं इन्फ्लेशन और ये होना ही है चीजें महंगी होती ही रहेंगी लेकिन अगर उस रेट पे तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो रही है देन यू आर लूजिंग आउट ऑन मनी क्योंकि अभी जो तुम्हारे पास सौ रुपए का नोट है इसकी वैल्यू अगले सात आठ साल में सीधा पचास रुपए हो जाएगा और तुम अगर इसी सौ रुपए के नोट को बस साइड में रखे हुए हो तुम लिटरली बस बैठे बैठे गरीब हो गए एंड दिस इज वे स्टॉक मार्केट कम्स इन प्ले इस सौ रुपए को तुमने स्टॉक मार्केट में डाल दिया वो पचास होने के जगह हो सकता है एक सौ हो जाए या फिर दो रुपए हो जाए दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट हेल्प्स यू ग्रो इसमें अगर सेफली डालोगे एक सेफ स्टॉक चाहिए कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है यू कैन इन्वेस्ट इन समथिंग कॉल्ड निफ्टी ई टी एफ ये इंडिया के टॉप फिफ्टी कंपनीज का कलेक्शन होता है इसमें लगा दो पैसा यू आर अर्ली हि यूएस में सत्तर प्रतिशत लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं चाइना में तीस चालीस परसेंट इन्वेस्ट कर चुके हैं इंडिया में बस सात परसेंट है बहुत कम है तो आप एकदम बेस लेवल पे कर रहे हो क्योंकि देखो जैसे जैसे मोदी जी देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने ही वाले हैं क्योंकि अगर आप देखोगे ना अभी अभी रिसेंटली निफ्टी का जो अपना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका एफ जो सेगमेंट होता है दैट इज़ वर्ल्ड हाइएस्ट ट्रेडेड रिसेंटली बनाइए सो वी आर स्टिल अर्ली टू दिस और अर्ली में घुसोगे ना देन तुम जो 1990s में हर्षद मेहता ने लेवल देखा था ना वो तुम भी देख सकते हो और इस बार लीगली देख सकते

उसमें लगा दो सेम रेट पे चलेगा सेम परसेंटेज गेन मिल जाएगा तो अगर दस हजार है तुम निफ्टी नहीं खरीद सकते डायरेक्ट लेकिन उसका एक ईटीएफ खरीद सकते एक प्रोडक्ट होता तो है बेस्ट है ये वो टेलीग्राम पे जो लोग बताते हैं टिप हाँ। देते हैं उसका क्या करना

लोग पैसे देके इन्वेस्ट कर रहे है, इसमें क्यों कर रहे हो <laughs> What's the point? Nobody cares. वो जब तक तुमको बता रहा है ना वो खुद लेके बैठा हुआ है और वो नहीं भी कर रहा है वाले हो सीख अगर सीखोगे नहीं तो पैसा नहीं है आज कमान कल उठ जाएगा एक और रिक्वेस्ट है जरा एक बहुत बेहतरीन सा स्टॉक बता दो मजाक से अलग नहीं ये ये कैमरे बता दो इसको मैं बता भी दूंगा लोगों को एक बहुत बेहतरीन सा स्टॉक एंड देन वी लैंड इट बट इट शुड बी अ स्टॉक जो कि अगले नब्बे दिन में दस परसेंट आठ परसेंट का रिटर्न देखे जाए टेलस देकिन... अपना चार्ट चेक करो और क्या एक भलाई हो जाए किसी का मेरा ही हो जाएगा मैं ही डाल दूंगा जाके और क्या <laughs> हाँ, समझो इन्हें बताना जरूरी है <laughs> इनका टेस्ट हो जाएगा नहीं टाटा नहीं आराम से देख लो यार नहीं मैं तो देख ही रहा हूं टाटा तो में तो जो तो इन्वेस्टमेंट तो का टाइम था वो गया ठीक है फिर यार

बट इमेजिन मन एवरी डे फॉर द बैक फॉर वन मंथ अपर सर्किट द्री नब्बे अपर सर्किट में प्रोसेस कर रहा हूँ ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ये पॉडकास्ट के लिए स्पेशल कर लो अर्जेंसी में कर रहा हूँ कर लो कर लो यार नब्बे दिन का तो मुश्किल है चलो चालीस दिन का बता दो यार वैसे नहीं होता ना यही तो बात है वो ही तो बात दिस, दिस, इस सर्विस के लिए इतना है ना। नहीं, नहीं, यार, ये क्या बात यार ब्रो बिकॉज़ एचडीएफसी इज अ वेरी गुड प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट एचडीएफसी इज अ सेफ स्टॉक ब्रिलियंट प्लेस टू इन्वेस्ट इन एच डी एफ सी तो हम पहले बता चुके स्टॉक <laughs> इंस्टेंट ऐसे पूरा नाम भी खराब हो जाएगा मेरा पहला आदमी बदनाम हो जाएगा यहां से रात रात <laughs> मैं करके देखता हूं बेस्ट पेनी स्टॉक टू इन्वेस्ट उसमें से एक चेप दूंगा मैम एक बता दो पेनी स्टॉक क्यों खरीदना है और मैं तो कह रहा हूँ तीन चार बता दो जो मल्टी मैंग बन जाए माय गॉड मैन एवरीथिंग आई स्पीक अगेंस्ट एक लो एक एक चलो यार देखते हैं टेक्निकल तो कुछ तो मिल जाएगा हाँ हाँ अच्छा चलो हो गया ये स्टॉक थोड़ा डेंजर नहीं हमें लॉस नहीं चाहिए भैया दस परसेंट हमें वो चाहिए प्रॉफिट दस परसेंट का ये काजू खा लो खाने से दो रुपए का शेयर है बताता हूँ अच्छा दो रुपए का शेयर है <laughs> बताओ भाई आप बताओ बताओ तो बता क्यों भी तो बताना पड़ेगा ना कुछ तो हम्म What a spot you've put me in, man. कोई नहीं यार. इसने इस एक nice one. This is a nice talk actually. Not a bad one. <coughs> में मैं देख के बताऊं चलेगा. हाँ और क्या? तो अगर तुम्हारे पास ऐसा पैसा है जो कि गलती से जेब से गिर गया, तो फर्क नहीं पड़ेगा. वो सारा का सारा पैसा तुम एक पेनी स्टॉक में लगा सकते हो. रिस्की इन्वेस्टमेंट और वो स्टॉक का नाम है जी जी इंजीनियरिंग भाई इसने एक साल में सात सौ तैतीस परसेंट का ग्रोथ किया जो की कि ढाई रुपए पर स्टॉक यू कैन गेट द स्टॉक जी 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 प्रिटी ले लो प्रिटी इंटरेस्टिंग पोजिशन और अगर जी जी इंजीनियरिंग ले लो ढाई रुपए के कितने दो तो हजार ले लो ले सकते हो इफ दिस इज मनी यू कैन रिस्क भाई मैं खराब रिकमेंडेशन नहीं दे सकता दिस इज अ गुड वन इज अ स्टॉक जिसमें आप मैंने क्या बोला था ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होनी चाहिए इसका 2023 में बहुत ब्रिलियंट ग्रोथ हुआ है आगे होगा नहीं होगा वो तो आगे डिपेंड करता है बट हिस्टोरिकली इट हैज ग्रोन वेल एंड नंबर्स लुक नाइस कैश फ्लो भी अच्छा है एंड बाकी ठीक है। है है में कैसा होता ना पता है। मैं एक चीज बोलता इसका मतलब अगर जीजीनियरिंग के ओनर्स स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं तुम्हारा बहुत पैसा बन सकता है बिकॉज सिंपल सी बात है अगर ओनर को खुद भरोसा है स्टॉक पे तो तुम्हारा पैसा बनेगा अदरवाइज नहीं जैसे भी एक स्टॉक होता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस ये है कि सुजलोन खुद के मालिक लोग ज्यादा नहीं और रिटेलर्स रिटेल यानी हम जैसे लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इसमें भी एक सेम प्रॉब्लम है लेकिन ये पेनी स्टॉक है ये खेल तो चलता रहेगा स्टॉक तो देना दो, दो का तीन मिल जाए दो का जो का चार मिल जाए खुश